हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और अभी सुबह पहले का समय है, अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं हितांश के स्कूल जा रही हूँ। उसका आज PTM भी है, रिजल्ट भी है और साथ साथ उसका स्काउट का कैंप भी है, तो मैं बस उसके साथ जाऊँगी। रिटर्न के टाइम वो अपने से ही आ जाएगा क्योंकि स्काउट का कैंप उसका चलेगा करीब 3 बजे तक, तो वो आते आते उसको 4:30 बजेगी, वो खुद से ही आ जाएगा। बस मैं PTM अटेंड करके मैं आ जाऊँगी और बस हम पारिक जी के साथ ही निकल रहे हैं। पारिक जी फिर 5-10 मिनट में निकलने वाले हैं। मॉर्निंग से इतनी हड़बड़ हो गई ना, मैं 6 बजे उठी हूँ, 6 बजे उठ करके लेट भी हो गई उठने में। और उसके बाद एकदम फटाफट से पारिक जी का टिफिन बनाया, हितांश के लिए टिफिन बनाया क्योंकि हितांश का स्काउट है तो उसको एक टिफिन लेके जाना था, तो वो स्काउट का टिफिन लेके गया। जल्दी से सबका नाश्ता बनाया, नाश्ता में मैंने पोहा बनाया है ताकि झटपट से काम निपट जाए। और बस सब नाश्ता करेंगे और उसके बाद हमें निकलना है। तो यहाँ हम सब कर रहे हैं नाश्ता। हितांश ने स्काउट की ड्रेस पहनी हुई क्योंकि उन लोगों का आज स्काउट का कैंप है। और मैं जा रही हूँ रिजल्ट लेने के लिए इसका, और साथ ही PTM है, वो PTM अटेंड करके आऊँगी। और पारिक जी जो हैं वो हाफ तैयार हो रखे हैं, अभी इन्होंने शर्ट नहीं डाली है और ये बस तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए। तो बस हम नाश्ता करेंगे और तुरंत हम निकलेंगे, सूरज जो है वो घर पर रहेगा। तो हम आ चुके हैं GT रोड, और GT रोड पे इनके ऑफिस की गाड़ी आती है तो इनके ऑफिस की गाड़ी में ही हम जाएंगे क्योंकि ट्रेन में इस वक्त बहुत रश होता है। इसलिए पारिक जी ने कहा कि ट्रेन में नहीं, और इस वक्त गाड़ी आ रही है तो गाड़ी में स्पेस है, तुम लोग हमारे साथ गाड़ी में ही चलो। बस हम स्कूल पहुंचने ही वाले हैं और स्कूल पहुंचने के बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी, तो बस अब डायरेक्ट घर पहुंच के उसके बाद ही आपसे मिलते हैं। अभी भी जस्ट मैं पहुंची हूँ घर और इतना ट्रैफिक था ना रास्ते में कि मुझे पूरा करीब करीब लग गया, 1-1.5 घंटा लग गया मुझे आने में, बहुत टाइम लग गई। और हितांश तो वहीं रह गया क्योंकि उसका स्काउट था, तो वो स्काउट करके करीब 4-4:30 बजे ऐसे कुछ आएगा। और मैं अभी भी जस्ट पहुंची हूँ, अभी बजे हैं कितने, 12:45 सुबह की मैं निकली हुई हूँ। कितने बजे की, 9 बजे से पहले, 9:45 बजे मैं निकली थी और अभी जस्ट पहुंची 12:45 बजे वापस घर। और अब मैंने कर लिया चेंज। एक तो घर आके चेंज करके एक शांति जो मिलती है ना हाथ पैर धो करके, मैंने एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और ये देखिए मैं आज ये वहाँ पे, अभी दुर्गा पूजा के टाइम पे ना हमारे यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगते हैं तो वो स्टॉल से मैं ये लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे वहाँ पर थे तो एक मैं ये लेके आई हूँ और एक गोल्डन। तो ये गोल्डन कलर के ये भी बहुत प्यारे हैं, पास से मैं इसके डिज़ाइन जो है ना अच्छे से दिख नहीं रही है, बहुत सुंदर है इसका डिज़ाइन। और ये वाले ऑक्सीडाइज के हैं, तो ये दोनों कलर एक्चुअली ऐसे है ना कि हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं, इसलिए मैंने ऑक्सीडाइज का लिया और एक गोल्डन लिया ताकि हर ड्रेस के साथ चल जाए। बहुत रीज़नेबल भी पड़े हैं मुझे ये, मुझे उसने 100 कहा था, मैंने 100 में मैं 2 लेके आई, उसने 200 कहा था दोनों का और मैं 100 में दोनों लेके आई हूँ, तो मुझे देखा जाए ना वैसे बहुत रीजनेबल पड़े हैं ये, 50-50 की ईच है ये, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पड़े हैं इसके। और अभी अभी मुझे ये पैकेट रिसीव हुआ है और जो कि मेरा बर्थडे गिफ्ट है, और ये रिया ने मुझे भेजा है दिल्ली से, ये गिफ्ट आया है और इसको मैं खोल के देखती हूँ इसके अंदर क्या भेजा है। इसमें सीजर की जरूरत नहीं, ऐसे ही खुल रहा है एकदम आराम से। कलर तो बहुत प्यारा है, वाओ बहुत ही सुंदर है। ये है इसका लोअर पजामी इसकी, और ये है कुर्ती, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो ये है वो कुर्ती, बहुत ही प्यारी लग रही है, बट ये थोड़ी सी लूज है तो मुझे थोड़ा सा ऑल्टर में करवा लूंगी ना, उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी लूज है ये, बट कोई बात नहीं, इसका तो लूज होने से तो क्या है ना, ऑल्टर करवा लें, कर्सर करवा सकते हैं, इसको छोटा करवा सकते हैं स्टिच करके, बट अगर छोटी आ जाती तो बड़ा होना तो मुश्किल है। तो वैसे ये बहुत ही प्यारी है, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, मैं पास से दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही प्यारी सी सूट है ये। थैंक यू।
और आज का खाना जो है ना वो मैं थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ, क्योंकि हमारी प्लानिंग है कि इवनिंग में जल्दी जल्दी काम निपटा करके और रात में हम अगर हो सका तो मूवी देखेंगे। तो नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, कौन सी मूवी देखेंगे वो तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, बट आज सोचा है कि मूवी देखेंगे, इसीलिए मैं खाना थोड़ा टाइम से ही बना ले रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पनीर। तो यहाँ पर मैंने आलू, गाजर, कैप्सिकम और बीन्स को मैंने फ्राई कर लिया है। तो हमें थोड़ा अच्छे तेल में ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर इसको हम पहले से फ्राई कर लेना तो इसका एक तो टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और सब्जियों का जो कलर है ना वो जब हम मिक्स वेज बनाएंगे पनीर के साथ में तो इनका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो हमें थोड़ा सा आधा कच्चा सा रहे, आधा कच्चा आधा पका, वैसे हमें इसे फ्राई करके निकाल लेना है। अब इसी तेल में यहाँ पर मैं पनीर फ्राई कर लूँगी। पनीर मैंने पहले से ही क्यूब्स में कट करके रखे हुए थे और ये जो ऑयल है ना वो हमेशा रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें। जब भी आप मिक्स वेजिटेबल बनाओ या मिक्स वेज पनीर बना रहे हो, स्पेशली पनीर में ना रिफाइंड ऑयल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं तो स्पेशली रिफाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो पनीर भी ना बहुत ही हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाल इस पर कोटिंग आ जाती ना तो भी पनीर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इसे जस्ट हल्का सा ही फ्राई दे रही हूँ। तो ये पनीर जो है वो सारे मैंने निकाल लिए हैं और पनीर ठंडा हो रहा ना तब तक चॉपर के अंदर में मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने एकदम बारीक बारीक सा काट लिया, मैंने इन्हें ग्राइंड नहीं किया है। और ये तेल जो है वो गर्म हो चुका है और मैं ऑयल के अंदर यहाँ पर डाल रही हूँ जो बारीक काट के मैंने प्याज रखे हैं वो। तो दो प्याज लिए हैं मैंने, इतने बारीक काटे ना कि ऑलमोस्ट ग्राइंड की तरह ही हो गए हैं, चॉपर में हो भी जाता है काफ़ी अच्छा, ये छोटे छोटे बारीक बारीक कट जाते हैं। तो ये देखिए प्याज जो है ना वो लाल हो चुके हैं हमारे। तो चॉपर में ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप किया है, तो ये देखिए बिल्कुल ग्राइंड जैसा ही हो गया है, कोई छोटे छोटे मैंने ज़्यादातर पीसेस एकदम ग्राइंड हुए हुए हैं और कोई कोई पीसेस हैं जो थोड़े बड़े हैं, और बस बहुत अच्छा इसमें हो जाता है। बस इन दोनों को, प्याज और टमाटर को, बहुत अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। बट उसके पहले यहाँ पर मैं नमक डाल ले रही हूँ, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है ना मसाला बहुत ही फटाफट से पक जाता है, प्याज बहुत जल्दी सिकते हैं और टमाटर भी बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए इस तरह का मसाला जब आप बना रहे हो ग्रेवी का, टमाटर और प्याज का, तो उसमें नमक पहले डाल दें। नमक पहले डालने से टमाटर और प्याज बहुत जल्दी से पक जाते हैं। तो अब इसमें मैं बाकी के मसाले भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और मेरा फेवरेट ऑल टाइम मैं जो डालती हूँ सब्जी मसाला, और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डालते हैं। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और सारे मसाले डाल करके मैंने जो ये ग्रेवी है उसको और अच्छी तरह से पका लिया है, बिल्कुल सूखा सूखा मैं इसे पकाऊंगी। और इसमें तेल ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने जब इसको पकाया ना तो इसमें ज़्यादा तेल डाला ही नहीं है। तो ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया, इसका मतलब जो है कि ये मसाला अच्छी तरह पक चुका है। तो बस इसके अंदर मैं सारे जो हमने बॉईल करके वेजिटेबल्स डाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा मसाले के साथ हम इसको पका लेंगे। करीब एक से डेढ़ मिनट मैंने मसाले के साथ इसको पका लिया है सब्जियों को। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर जो कि हमने फ्राई करके रखा था। सब्जी को पहले थोड़ा पका लें उसके बाद पनीर डालें, वरना क्या होगा ना पनीर जो है वो बिखर जाएगा सब्जी में, क्योंकि हम सब्जी जब तक पकेगी नहीं तब तक हम अगर पनीर नहीं डालेंगे तो क्या होगा पनीर बिखरने लग जाएगा और हमारी सब्जियां पकेगी भी नहीं, इसीलिए सब्जी जब ऑलमोस्ट डन हो जाए तभी हमें इसके अंदर में पनीर डालना है। बस इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ करीब आधा ग्लास पानी और अच्छे से एक बार पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे ढक करके लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे पकने दूंगी। तो ये हमारे 5 से 7 मिनट बाद मैं इसे खोल के देख रही हूँ, सब्जी में इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है और कलर भी किसका इतना प्यारा लग रहा है, सब्जी एकदम अच्छी तरह से पक चुकी है। अब जो घर के अंदर में मलाई होती है ना वो मलाई मैं इसमें डाल रही हूँ। मलाई को अच्छी तरह से फेंट लिया है, बिल्कुल भी कोई इसमें लम्ब्स ना रहे, और फेंटने के बाद मलाई को हम इसके अंदर डाल देंगे और देखिए कितना बढ़िया बने। रेस्टोरेंट की जो सब्ज़ी होती है ना वो इसके आगे फेल हो जाएगी अगर आप इस तरह से बनाओगे तो। बट इसमें मुझे थोड़ी सी ग्रेवी और चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाला है, और पानी डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम पे थोड़ा सा हम इसे करीब आधे से एक मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि पानी जो हमने अभी डाला है ना वो थोड़ा पक जाए। तो मिक्स वेज पनीर की सब्ज़ी एकदम तैयार है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है और साथ में खुशबू भी बहुत ही गजब की आ रही है। तो ये बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ, और गर्म गर्म रोटी के साथ मिक्स वेज पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा खाने में। तो बस खाना बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म रोटियां और गर्मा गर्म सब्ज़ी। तो आइए आप भी हमारे साथ में डिनर करिए, खाना खाइए।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास झट से आ जाए। थैंक यू, बाय बाय।